नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। इस समय जो हमारे साथ खड़े हुए हैं शख्स किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी आपने इनको बुलेट पर देखा है तो कभी आपने इनको संसद में देखा रीनीट और नीट एग्जाम की टी शर्ट को पहने हुए छात्रों की आवाज़ उठाते हुए। हमारे साथ है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पप्पू यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने प्रचार किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उसकी प्रतिक्रिया में तेजस्वी यादव ने भी आप पर कई बार हमला बोला। कई बार आप पर यह भी सवाल उठा कि भाई आपने कांग्रेस पार्टी में अपना मर्जर कर लिया, विलय कर लिया अपनी पार्टी का, फिर भी आप अलग लड़े निर्दलीय के तौर पर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, हमला तो होते रहते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, सूरज पर कई लोग, हमें तो जनता से मतलब है, जनता भगवान है मेरे लिए, तो मुझे राजनीतिक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, दिलचस्पी नहीं, और मुझे राजनीति नहीं आती, सेवा और मदद के अलावा कुछ जानता नहीं हूँ, एक अच्छा इंसान बना रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी की आलोचना के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारी है, जो मेरी भूमिका है, उसे बेहतर तरीके से मुझे करना है, इस देश के लिए, जनता के लिए और गरीबों के आंसू पोंछने हैं। आम आदमी की आवाज़ हमेशा बनी रहे, आम आदमी के ज़रूरतों के लिए, उसकी खुशियों के लिए काम करते रहें, यही बहुत है। सर, अभी बिहार से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई कुछ दिन पहले, जब मुकेश सैनी जी के पिताजी की हत्या हो गई, तो बिहार की कानून व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, एक बात उठे ना, सवाल मुकेश सैनी जी के पिताजी का नहीं है, दो बच्चे अभी तीरा मर्डर हुआ, दो सब बच्चियों के नौकरी के सवाल पर उसके शारीरिक शोषण हुए मुजफ्फरपुर में, लगातार घटनाएं घट रही हैं। इकबाल जब खत्म हो जाता है और जब पदाधिकारी सरकार चलाने लगे और नेतृत्व जो सशक्त नेतृत्व जब नीतीश कुमार जी के हाथ में था, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है थी, और जब वो उम्र के हिसाब से उसका पड़ाव, उसकी उसका सफ़र काफ़ी एक अंतिम ओर बढ़ने लगे, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा और प्रॉब्लम है लगातार। जब नेता और माफिया बालू में भी शेयर होंगे, हम कोरेक्स में भी, ड्रग्स में भी, शराब में भी, पदाधिकारी की मिलीभगत से जमीन, गलत लोगों का जमीन, लाल कार्डधारी, हरा कार्डधारी, सरकारी ज़मीन को रजिस्ट्री करा करा DCLR ADM CO के माध्यम से यदि हम दूसरों की ज़मीन हड़पते रहेंगे तो ये सवाल बहुत बड़ा आएगा, ये आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, और ये सवाल बहुत बड़ा होगा, तो यहीं पर घटना दर बदर घटना घटती रहती है, तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि इसमें कोई एक आदमी नहीं, इसमें हमाम में सब नंगे हैं। रियल एस्टेट का जो मतलब है, रियल एस्टेट बनता ही है पूंजीपति, माफिया, पदाधिकारी, थाना, नेता, इन पांच आदमी के मिली भगत से रियल एस्टेट का धंधा चलता है। तो ये हालात तो हैं, वहाँ परिस्थितियाँ तो है, नेक्सस को तोड़ना जरूरी है, और ये जो पैसे के लिए बाप बाप किया जा रहा है ये सही नहीं है। सर, एक सवाल मेरा और है कि बिहार के युवाओं को लेकर या बिहार की जनता को लेकर आपका विजन क्या है? ये बहुत क्लियर है, आप इकोनॉमी की बात करिए, नियोजित संविदा ख़त्म करिए, आप पेंशन 300-400 रुपया जो मिल रहा है उसको बढ़ाइए, आप रसोईया है, आंगनबाड़ी है, इन सब चीज़ों को स्थायित करिए, आप जॉब ओरिएंटल बात करिए, आप सबको 5,000 रुपया में, और किसी को आप कहते हैं कि हम उद्योगपतियों के यहाँ लगाएंगे, उसमें कहते हैं नौकरी पेशा वाला नहीं, मिडिल क्लास नहीं होगा, जो 3-7 लाख रुपया जो टैक्सेस भरते हैं वो लोग नहीं होंगे, तो गरीब लोग तो 7 क्लास भी नहीं पढ़ता है, 2.25 करोड़ मजदूर पलायन है, अब फैक्ट्री पर बातचीत होती नहीं है, तो हमको उद्योग पर बात करनी पड़ेगी, हमको मखान है, मक्का है, हमको फूड प्रोसेसिंग है, बंद पड़े फैक्ट्री हैं, हमको उस पैकेज पर बात करनी पड़ेगी, हमको उद्योग के दर्जा पर हमको बात करनी पड़ेगी, किसान को खेती को दर्जा पर, उद्योग का जो दर्जा है उसी तरह खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, हमको इस पर काम कराना पड़ेगा, हमको MSP पर बात करनी पड़ेगी, हमको IM और IT हब बनाना पड़ेगा बिहार को, हमें वहाँ रोज़गार से जोड़ना होगा, हम पलायन जो कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा, तो इसीलिए बहुत क्लियर हैं कि महिलाओं की एजुकेशन को भी
और जो ये जो भ्रष्टाचार है उस पर हमको चैलेंज करना पड़ेगा, इसको वार करना पड़ेगा। और आम आदमी की लाइफ सिक्योर्ड कैसे हो, इसके लिए इकोनॉमी जो इंडेक्स हमारा दुनिया का सबसे निचले पोदान पर है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान जाति धर्म और किसी व्यक्ति की आलोचना से बिहार के 14 करोड़ का भला नहीं होगा, हमें बिहार के हित में बात करनी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है। सर एक अंतिम सवाल है, सर लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव, इनके बारे में आप एक एक शब्द में अगर डिफाइन करें। लालू प्रसाद जी हमारे परिवार गार्जियन के समान रहे हैं, विपक्ष के नेता बनाने में पुत्रवत खड़े रहे, मुख्यमंत्री बनाने में पुत्रवत खड़े रहे और आज भी मेरा रेस्पेक्ट है उनके प्रति बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी, देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।